महात्मा गांधी जी ने भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ने पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश दिया। लेकिन उनसे कुछ गलतियां भी हुई जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा की गई इन्हीं गलतियों की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आप देख रहे हैं रहस्य टॉक शो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को नीचे जाकर दबा दीजिए और साथ में लगी घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। यह है बिल्कुल फ्री, बस इससे हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली गलती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से बाहर करना। देखा जाए तो नेताजी और गांधी जी दोनों ही भारत देश को आज़ाद कराना चाहते थे, परंतु दोनों की कार्यशैली में बहुत अंतर था। वर्ष 1939 में नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के समय नेताजी बीमार हो गए और महात्मा गांधी जी ने इसी बात का फायदा उठाकर अपने उम्मीदवार के रूप में सीतारामैया को खड़ा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नेताजी ने सीतारामैया को भारी वोटों से हरा दिया। कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस की अधिकतर लीडरशिप महात्मा गांधी से ज़्यादा नेताजी के समर्थन में थी। इस बात की भनक जब गांधी जी को लगी तो उन्होंने राजनीति के दांव पे चलाकर नेताजी को कांग्रेस से ही बाहर कर दिया, जिसके कारण ही अलग थलग पड़ने पर नेताजी को जापान में जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन करना पड़ा। दूसरी गलती, शहीद भगत सिंह की फांसी पर नरम रुख। गांधी जी ने शहीद भगत सिंह के केस पर कभी गंभीरता ही नहीं दिखाई। गांधी जी यदि चाहते तो क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। गांधी जी ने भारत के वायसराय को सिर्फ एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मृत्युदंड एक असाध्य प्रक्रिया है, यदि इसमें कहीं से कोई भी गुंजाइश है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस फैसले को पुनः समीक्षा तक निलंबित कर दिया जाए। पत्र की भाषा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी जी शहीद भगत सिंह की फांसी को लेकर कितना गंभीर थे। यदि गांधी जी चाहते तो आंदोलन करके भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, पर अफसोस उन्होंने एक पत्र लिखने के अलावा कुछ नहीं किया। तीसरी गलती, नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना। यदि बात की जाए सी राजगोपालचारी जैसे क्रांतिकारियों द्वारा लिखे गए लेखों की तो उससे ज्ञात होता है कि उस समय सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश की प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, परंतु गांधी जी ने सबको दरकिनार कर नेहरू को प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया और वह भी केवल अपनी जिद के कारण। और इतिहास गवाह है कि नेहरू के प्रधानमंत्री के पद पर बैठते ही जन्म लिया एक वंशवाद ने जो कि अब तक भारत का पीछा नहीं छोड़ रहा है। चौथी गलती, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन वापिस लेना। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी गलती यही थी जिसे आज भी पूरा देश भुगत रहा है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्पष्ट हो गया था कि जल्दी ही अंग्रेजी सरकार घुटने टेक कर भारत को आजाद करने वाली है। इस खतरे को भांप कर अंग्रेजों ने एक चाल चली और उन्होंने गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा कि भारत यदि उस समय चल रहे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देता है तो उसके बदले में अंग्रेज भारत को विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आजाद कर देंगे। गांधी जी ने उनके इस प्रस्ताव को तत्काल मान लिया और भारत छोड़ो आंदोलन वापिस ले लिया। इसी बीच अगले 5 वर्षों में अंग्रेजों ने अपने सहयोग से मुस्लिम लीग को मजबूत कर दिया और अंग्रेज जाते जाते भारत को 2 टुकड़ों में बांट गए। यदि गांधी जी उस समय आंदोलन वापिस न लेते तो भारत का विभाजन ही नहीं होता। पांचवी गलती, गांधी जी की विवाद भरी निजी जिंदगी। सत्य के साथ अपने प्रयोग के लिए गांधी जी अपने कमरे में कुंवारी लड़कियों के साथ नग्न सोते थे, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी किताब में भी किया था। सरदार पटेल ने भी गांधी जी को लिखे पत्र में इस प्रयोग को उनकी भयंकर भूल बताते हुए इसे तत्काल रोकने के लिए कहा था, परंतु गांधी जी स्वयं को अपनी नजर में विजय घोषित करने के लिए स्त्रियों को वस्तु की तरह प्रयोग करते रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आप आज़ादी का असली हीरो किसे मानते हैं, गांधी जी को या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को प्लीज शेयर भी जरूर करें ताकि गांधी जी द्वारा की गई गलतियों का पता पूरे भारत को लग सके। जय हिंद, जय भारत।